हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, इंडियन नेवी अपनी हर जरूरतों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करना चाहती है, और हाल ही में इंडियन नेवी ने अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल इशू किया है। इस मिसाइल को ग्लाइड फायर SSMP कहा जाता है, जिसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 की मेक सेकंड कैटेगरी में डेवलप किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही फंड करेगी, ना कि गवर्नमेंट। हालांकि इसके रिक्वायरमेंट को 16 सितंबर 2021 में ही बता दिया था, पर अप्रैल 2022 में इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट किया गया, जिसके बाद मई में इसके टेंटेटिव रिक्वायरमेंट को रिलीज किया गया। अगर हम इस मिसाइल की खासियत के बारे में बात करें तो यह एक लाइट वेट, मॉड्यूलर और कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल है, जो एंटी शिप और लैंड अटैक बड़ी आसानी से कर सकता है। इसी के साथ इस मिसाइल का एक इम्पोर्टेंट फीचर यह है कि इसे मॉड्यूलर स्केलेबल लॉन्चर और यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर के साथ भी फायर किया जा सकता है, और इस यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर को DRDO इंडिजिनसली इंडियन शिप्स के लिए डेवलप कर रहा है। यह ग्लाइड फॉर्म SSM हाइब्रिड प्रोपल्शन को यूज करके और यूनिक कंट्रोल सरफेस को यूटिलाइज करके एनिमी टारगेट को बड़ी प्रिसाइजली हिट कर सकता है। इसी के साथ इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर और दूसरे इंटरफेस इक्विपमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, और अब इंडियन नेवी को इस तरह के दो प्रोटोटाइप्स और 115 मिसाइल की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस ग्लाइड फायर के हाइब्रिड प्रोपल्शन की बात करें तो यह कम से कम 2000 किलोमीटर यानी Mach 3 की स्पीड को अटेंड कर सकता है। वहीं इसकी रेंज 180 किलोमीटर की है, और अगर हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इस तरह के 20 मिसाइल्स को बनाने के लिए इन्हें पूरा एक साल लग जाएगा। ग्लाइड मिसाइल को मेनली शिप से लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है, और इसे इंडिजिनसली डेवलप्ड किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के मिसाइल की कैटेगरी को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, और इसकी जरूरत भी इसलिए है क्योंकि यह इंडियन नेवी द्वारा यूज किए जा रहे हैं। KH-35 यूरेन मिसाइल का रिप्लेसमेंट होने वाला है, जिनका लेटेस्ट अपग्रेड 1997 में किया गया था। इसी के साथ इसकी खास बात यह है कि इसे रफेल सी ब्रेकर से कंपेयर करें तो यह रफेल ब्रेकर से कहीं ज्यादा हायर रेंज का है। वहीं इसमें कई सीक्रेट टर्मिनल फेसेस भी लगाए गए हैं। इसे दिसंबर 2027 तक पूरी तरह से डेवलप करने का टारगेट सेट किया गया है। वहीं इसके और प्रोजेक्ट्स जैसे एयरक्राफ्ट लॉन्च एंटी शिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज और सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी 2027 तक डेवलप करने का टारगेट सेट किया हुआ है। और अगर हम इंडियन नेवी के SSM प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें तो इसमें हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स, सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज के ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंक्लूड किया गया है, जो आने वाले कुछ सालों में इंडियन नेवी की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।